पब्लिक टीवी आपकी आवाज। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के बैनर तले एक आपात बैठक दिल्ली रोड मझोला स्थित विद्युत विभाग के निरीक्षण भवन के प्रांगण में आयोजित की गई, जिसमें संगठन की मजबूती और विद्युत उपभोक्ताओं को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने पर रणनीति तैयार की गई। बैठक की अध्यक्षता एलके त्यागी ने की और संचालन संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मीनू कुमार द्वारा किया गया। जूनियर इंजीनियर संगठन की मजबूती को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद रहे राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के मार्गदर्शक इंजीनियर एसपी सिंह ने संगठन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतर रही है, वादे करना और फिर मुकर जाने का काम सरकार कर रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के जनक और संरक्षक इंजीनियर एसपी सिंह ने विभिन्न बातें कही हैं। इस मौके पर इंजीनियर बलजीत सिंह, इंजीनियर यतेंद्र सिंह, इंजीनियर नरेश कुमार, इंजीनियर सुरेंद्र यादव, इंजीनियर ओपी वर्मा, इंजीनियर बलदेव सिंह, इंजीनियर यतीश कुमार, गुरुदेव, रवि रंजन सहित सैकड़ों संगठन कार्यकर्ता मौजूद रहे। में लेना भी नहीं है, लेकिन जो पदाधिकारी बनेंगे मैं उन्हें बिल्कुल सब स्पष्ट बातें पूरे प्रदेश भर से जो सूचनाएं ला रहा हूं मैं फीड कर दे रहा हूं उनके रजिस्टर में, रिकॉर्ड में आपको विश्वास लेके जा रहा हूं जाऊंगा कि यहां के यूनिट पुनर्स्थापित होगी। ये वैसे ही मुरादाबाद से सरकार योजना कायम होगा जैसे होना चाहिए था। इतने नौजवान कभी नहीं थे, इतनी नौजवानों में है, उस ताकत में कोई कमी नहीं है। उसके लिए सलाह की जरूरत है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने पहली पंक्ति में लोग हमारे बैठे हैं और हमारे साथ बगल बगल में बैठे हैं, अगर इन्होंने केवल एक दो महीने एक एक घंटे का भी समय दे दिया तो यह व्यवस्था मार्च आते आते बिल्कुल आपके सब सामान्य और व्यवस्थित हो जाएगी। ये त्यागी जी के जिम्मे है, ये मत मानना कि आप क्षेत्र के आज अध्यक्ष सचिव नहीं हो। आप सब जो निवर्तमान पदाधिकारी के रूप में काम करते रहे हो, मैं आपसे आज मांग करने आया हूं कि इस संगठन के लिए मैं अगर 3 साल देने को तैयार हूं तो आप 3 महीने मुरादाबाद क्षेत्र के लिए दे दीजिए और 3 महीने में इसको जैसा था वैसा ही लोहा लाट व्यवस्था करा दी जाए। और आप लोगों की यह जिम्मे है कि कभी भी जल्दबाजी में अचानक कोई घटना घटे तो पहले सूचना दीजिए, उस पर विचार करिए, विचार करके सम्यक उसका तरीका खोजिए और तरीका खोजकर सिस्टमेटिक सबकी जानकारी में डाल के सबकी सहमति से कोई भी आगे का हमें कार्यक्रम स्टेप उठाना चाहिए।